नमस्कार, आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हमारे बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स के तहत हम आपको सिखा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने जाना सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर हमने सीखे सबसे सरल प्रकार के वाक्य और वे थे इम्पेरेटिव। अगले वीडियो में हमने सीखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अब बारी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जहां इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कमांड और रिक्वेस्ट वाले वाक्य थे, यानी आज्ञा और निवेदन देने का काम करते थे, उन पे फुल स्टॉप भी लग सकता था और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लग सकता था। पर बाद में जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आए, वहां हमेशा आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, हमेशा फुल स्टॉप ही लगता था, जिसे पीरियड भी कहा जाता है और फुल स्टॉप भी कहा जाता है। परंतु इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ही क्वेश्चन मार्क होती है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं या जिनका उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। हमारे मन में एक सवाल आया, हमने उसे पूछा। हिंदी में तो हम आराम से पूछ लेते हैं, पर अंग्रेजी में प्रश्न पूछने की पद्धति बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिलचस्प है और थोड़ी हिंदी से हटकर है। जानते हैं वे कौन से तरीके हैं जिनसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। बेसिक इंग्लिश कोर्स में भी इस पर बार बार रोशनी डाली गई थी, इसलिए अगर आप चाहें कि आप उसे पक्का करें तो एक बार बेसिक कोर्स को फिर से रिविजिट कर सकते हैं। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के पहले दो उदाहरण ले लें। जैसे मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। व्हाट इज योर नेम, व्हाट और इज को एक साथ कहा और कहा व्हाट्स योर नेम। आपने कहा आई एम मोहन, हमने प्रश्न किया आर यू मोहन। ये जो आयु मोहन हमने बोला, ये भी एक क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न पूछने के दो तरीके स्ट्रक्चर की दृष्टि से होंगे। और पहला है कि आप सहायक क्रिया को वाक्य के शुरू में ले आए। हिंदी में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हिंदी में यदि मैं कहता हूं मैं एक शिक्षक हूं, तो मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा क्या मैं एक शिक्षक हूं, यानी मैं आपकी राय पूछ रहा हूं क्या मैं एक शिक्षक हूं। तो मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा क्या मैं एक शिक्षक हूं, इसमें क्या लगाना पड़ा। पर अंग्रेजी में बगैर व्हाट लगाए भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं एक शिक्षक हूं, इसका अंग्रेजी होगा आई एम अ टीचर, और क्वेश्चन होगा एम आई अ टीचर। आई के बाद जो एम था उसको वाक्य के शुरू में रखा और बन गया एम आई अ टीचर। थोड़ा सा टोन बदला और कहा एम आई अ टीचर, और वो प्रश्न बना जिसका हिंदी तर्जुमा होगा क्या मैं एक शिक्षक हूं। इस तरह से बड़ी अटपटी सी लगने वाली ये पद्धति अंग्रेजी में है, और चूंकि वहां पर हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही होता है, इसलिए वहां किसी को इस पर कोई आश्चर्य भी नहीं होता, उसमें कुछ अटपटा भी नहीं लगता। एक्चुअली हर भाषा में उसकी अपनी कुछ परंपराएं होती है, जिन्हें सीख करके हम उस भाषा पर अपना अधिकार कर सकते हैं। तो पहला तरीका हुआ हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना। हेल्पिंग वर्ब आपको पहचानना आना बहुत जरूरी है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे निवेदन किया था, और इसे और अच्छे से सीखना हो तो हमारे बेसिक इंग्लिश कोर्स की वीडियो आपको बहुत मदद कर सकती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानना बताया है। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले गए, प्रश्न बना लिया। एक सेंटेंस है यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। इसमें आर आगे ले गए क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब भी इस वाक्य में वही है, हेल्पिंग भी वो है, पर कोई वाक्य कोई भी वर्ब अगर हेल्पिंग है तो उसे आप आगे ले जाकर के क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रश्न बनेगा आर यू अ स्टूडेंट। एक और वाक्य पर गौर करें, ही इज योर हस्बैंड, वह आपका पति है। अब इसका प्रश्न बनेगा इज ही योर हस्बैंड, क्या वह आपका पति है, यानी बहुत आसानी से आपने इज को
वाक्य की शुरुआत में रख दिया। आपने देखा कहीं पर हैव, कहीं पर आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे ले जाएं। प्रश्न बना लीजिए, मे आई ज्वाइन यू, ये प्रश्न है। क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं और खा रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या मैं आपके इस ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ, तो प्रश्न होगा मे आई ज्वाइन यू। पर अगर इसको अफर्मेटिव देखना हो तो होगा आई मे ज्वाइन यू, मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ। प्रश्न बनाना है, मैं यहाँ पर सहायक क्रिया थी, हेल्पिंग वर्ब थी, उसको वाक्य के शुरू में रखा और क्वेश्चन बना मैं आई ज्वाइन यू। और आपको बहुत ही पॉपुलर एक सेंटेंस याद आ ही गया होगा, जब हम किसी भी कक्षा में प्रवेश करते हैं या किसी भी ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो पूछते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो मैं है वो वाक्य के शुरू में आकर के प्रश्न बना रहा है। इसी तरह से आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। अब यहां ढूंढे सहायक क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया तो कम है। मैं कल आऊंगा, मैं आऊंगा या कम, अंग्रेजी में कम, ये मुख्य क्रिया है। पर जो विल है वो सहायक क्रिया है। विल को आगे ले जाए, प्रश्न तैयार, विल आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊंगा। इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई कोई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें आपको डू और डज और डिड ये तक लगाने पड़ते हैं, जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर। ही डाइड ऑफ कैंसर का मतलब है वह व्यक्ति कैंसर से मर गया। प्रश्न बनेगा डिड ही डाई ऑफ कैंसर। ये डिड जो आया क्यों आया, पास्ट टेंस में डिड क्यों आता है, कैसे आता है, प्रेजेंट में कब डू आता है, कब डज आता है, ये सब चीजें तो हम टेंसेस जब सीखेंगे ना, दो चार यूनिट्स के बाद, थोड़े से समय बाद, उसमें आप आराम से ये भी जान पाएंगे कि उसके नियम उपनियम क्या हैं। पर अभी हमने ये जाना और समझा कि सबसे पॉपुलर पद्धति प्रश्न बनाने की है, सहायक क्रिया को आगे ले जाना और वाक्य बनाना। और सबसे रोचक बात, इन सभी प्रश्नों के उत्तर, किन सभी प्रश्नों के उत्तर, उन प्रश्नों के उत्तर जो सहायक क्रियाओं से चालू होते हैं, उनके उत्तर या तो हाँ में होते हैं या ना में होते हैं। यस और नो से इनके उत्तरों की शुरुआत होती है। एक बार इसे भी ध्यान से समझ लें। आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम। अगर आप विद्यार्थी है तो कहेंगे यस आई एम, अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। ऐसे एक और था, हैव यू गॉट सम मनी, ये प्रश्न है, उत्तर दिया यस आई हैव, और नहीं है तो हम कहेंगे नो आई हैवंट। इस तरह से ये निगेटिव आंसर हुआ। तो सहायक क्रियाओं से यानी हेल्पिंग वर्ब्स से शुरू होने वाले प्रश्नों के उत्तर हमेशा हाँ या नहीं में होते हैं। इस बात को आप यूं भी कह सकते हैं कि जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में होते हैं, उन प्रश्नों की शुरुआत हमेशा सहायक क्रियाओं से ही होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स से इनकी स्टार्टिंग होती है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे ही कुछ वर्ब्स के द्वारा जब वाक्य शुरू हो तो समझ जाना चाहिए इसका उत्तर हाँ या नहीं में होगा। पर एक और तरीका है जिससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यानी सहायक क्रियाओं को आगे लाकर प्रश्न बनाने के अलावा भी एक तरीका है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं नहीं होता। इसलिए दूसरे प्रकार के प्रश्न बनाने की जो पद्धति है उसे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार, जय हिंद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप जरूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें। धन्यवाद।